Friends, Professor Nidhi Trivedi here, and today we're going to see what is a critical, subcritical and supercritical flow in terms of Froude number, velocity of flow and depth of flow. तो चलो जल्दी से start करते हैं. But इससे पहले अगर आपने मेरा last video ना देखा हो बच्चों, what is the specific energy curve कैसे बनता है, फिर हमने अच्छे से समझा कि critical depth क्या होती है, alternate depth क्या होती है, conjugate depth क्या होती है, critical velocity क्या होती है. तो ये सब समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों. पहले तो वो जाके देख लीजिए और मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है. चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. पहले समझते हैं फ्राउड नंबर से. तो पहले जानते हैं कि आखिर फ्राउड नंबर है क्या. Froude number is the ratio of square root of inertia force by gravity force. काफी बच्चों के दिमाग में सिर्फ ऐसा है, it is a ratio of inertia by gravity. ये बच्चों सही नहीं है. ओके, तो ठीक कर लीजिए कि that it is a ratio of square root of inertia by gravity force. तो ही हमारे जो डिराइव करना है फ्राउड नंबर का रिलेशन वो आएगा सही, यानी ये हो जाएगा. सो इनर्शिया फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ग्रेविटी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. और अब क्या होगा, ये मास मास कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जो भी है सारा अंडर रूट है. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. अभी क्या है, अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो लिख दीजिए यहाँ वेलोसिटी अपॉन टाइम. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम दिखाएंगे स्मॉल जी. समझ में आ रहा है, ये है डिनोमिनेटर में, यानी यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी होगा वी अपॉन टी जी, वी अपॉन टीजी. अभी हमने क्या जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं डी बाई वी. क्या लिख सकते हैं, डी बाई वी. तो मैंने टी की जगह लिखा डी बाई वी. अभी क्या हो जाएगा, ये डिनोमीटर के भी डिनोमीटर में, यानी आ जाएगा न्यूमिरेटर में, यानी एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन जी डी. वी स्क्वायर अपॉन जी डी, ये वी स्क्वायर है, अगर मैं बाहर निकालू तो हो जाएगा वी अपॉन रूट जी डी. तो यही है आपका फ्राउड नंबर. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. वेयर योर जी इज अ डेप्थ ऑफ फ्लो. क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो. समझ में आ रहा है. वी आपकी मीन वेलोसिटी है, जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. और फॉर फ्राउड नंबर, फ्राउड नंबर के लिए जो है बच्चों, दैट अगर फ्राउड नंबर 1 है तो आपका फ्लो क्रिटिकल है. अगर फ्राउड नंबर आपका लेस देन 1 है तो क्या होगा बच्चों, सब क्रिटिकल. एंड अगर आपका फ्राउड नंबर क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 1 है तो इट इज अ सुपर क्रिटिकल फ्लो. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. अभी और एक भी जानना है बच्चों, क्योंकि हमें अभी तो फ्राउड नंबर के टर्म में जाना, अभी हमने जाना है वेलोसिटी के फॉर्म में. तो बच्चों ये क्या है, ये है एक्चुअल वेलोसिटी, ये है एक्चुअल वेलोसिटी और ये है क्रिटिकल वेलोसिटी. कैसे, इसके लिए मैंने बोला कि आपको लास्ट वाला वीडियो है वो देखना है. लास्ट वाले वीडियो में हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड किया था. हमें मिला था वीसी इक्वल टू अंडर रूट जी वाई सी, यानी yc हमारी है क्रिटिकल डेप्थ विच इज अ डेप्थ ऑफ फ्लो, vc हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी है. तो दूसरे टर्म में भी हम फ्राउड नंबर बोल सकते हैं. क्या, दैट फ्राउड नंबर इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी बाय क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी v बाय vc, v बाय vc. यानी फ्राउड नंबर इक्वल टू होता है v अपॉन रूट जी डी, एज वेल एज फ्राउड नंबर इक्वल टू होता है v अपॉन vc, v अपॉन vc. समझ में आ रहा है. तो अभी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. तो अगर फ्राउड नंबर 1 है, अभी सारा जो पार्ट है बच्चों वो समझने वाला है. ओके, फ्राउड नंबर क्लियर है तो वेलोसिटी के फॉर्म में तो हमें अच्छे से पता चल ही जाएगा. अगर समझो ध्यान से, अगर फ्राउड नंबर है हमारा 1, अगर 1 है तो वो कौन सा फ्लो है, क्रिटिकल फ्लो. यानी जिन बच्चों को फ्राउड नंबर के फॉर्म में ही सिर्फ याद रहता है और वेलोसिटी के टर्म में नहीं पता चलता कब लेस देन है कब ग्रेटर देन है, तो मैं आपको अच्छे से ये तरीका दिखाती हूँ. ध्यान से देखें, एफ आर इक्वल टू होता है 1, बट फ्राउड नंबर इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी बोला एक्चुअल वेलोसिटी बाय क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि हमें मिला था ऐसा रिलेशन वी बाय रूट जी डी, और ये था क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी वी बाय वी सी इक्वल टू होगा 1, यानी v इक्वल टू वी सी फॉर क्रिटिकल फ्लो. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. फिर आता है, चलो अभी आते हैं सबक्रिटिकल फ्लो के लिए. नाउ सबक्रिटिकल फ्लो के लिए भी आपको पता है फ्राउड नंबर इज अ लेस देन 1. अगर फ्राउड नंबर लेस देन 1, नाउ फ्राउड नंबर है क्या, v बाई वी सी विच इज लेस देन 1, यानी आपको ये भी रिलेशन पता चल गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी v इज लेस देन वी सी फॉर सबक्रिटिकल फ्लो. अभी करते हैं बच्चों सुपर क्रिटिकल के लिए. तो सुपर क्रिटिकल के लिए फ्राउड नंबर क्या होता है, विच इज अ ग्रेटर देन वन. नाउ फ्राउड नंबर इज एक्चुअल वेलोसिटी बाय क्रिटिकल वेलोसिटी विच इज ग्रेटर देन वन, यानी कि वी इज ग्रेटर देन वी सी फॉर सुपर क्रिटिकल फ्लो. समझ में आ रहा है बच्चों? तो आई होप आपको ये दो टर्म में तो समझ में आ गया. अभी लास्ट बचा हमारा, तो इसको समझने के लिए ये हमारा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व यहाँ पे है. ये जो पॉइंट है वो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो के जहां पे क्या हमें मिल रही है, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम मिल रही, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ. क्या बोलते हैं? द पॉइंट. समझ में आ रहा है? ये हमारा पॉइंट है कि जहां पे हमें स्पेसिफिक एनर्जी मिल रही है मिनिमम. समझ में आ रहा है? और ये है क्रिटिकल डेप्थ. क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है बच्चों, इसका हमने रिलेशन भी फाइंड किया लास्ट में, Q² / G² (1/3). The depth of flow at which the specific energy is minimum. समझ में आ रहा है? फिर हमने फाइंड किया कि दो तरह की डेप्थ होती है. इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने ना देखा हो तो लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि y1 y2 होता क्या है. समझ में आ रहा है? तो आपको देखना है यहाँ y1 है वो क्या है बच्चों, इससे कम है, yc से कम है. समझ में आ रहा है? ये है, ये y1 है और ये जो है पूरा ये yc है. और दूसरी डेप्थ है जो yc से भी बड़ी है, यानी ये y1 है जो yc से कम है और दूसरी जो है वो क्या है, yc से ज्यादा है. तो इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो हमें बोलना हो बच्चों तो क्रिटिकल फ्लो के लिए क्या होगा, y = yc. समझ में आ रहा है? क्रिटिकल फ्लो क्या होगा, जब हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ जितना, जब हमारी डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ जितनी हो जाएगी तब जो फ्लो होगा वो होगा क्रिटिकल फ्लो. फिर सब क्रिटिकल फ्लो कब होगा, तो हमने तो वहां भी एक्सप्लेन किया था. ये रहा हमारा सब क्रिटिकल फ्लो, यानी ये है हमारी yc, ये क्रिटिकल डेप्थ yc है और ये है हमारा y2 जो इससे ज्यादा है, यानी जब क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लो विच इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डेप्थ, यानी y > yc एंड FR < 1, तब क्या होगा सब क्रिटिकल फ्लो. यानी सब क्रिटिकल के लिए कंडीशन है y > yc. तो बच्चों क्या है कि ये जो क्रिटिकल डेप्थ वाली कंडीशन है वो आपको स्पेसिफिक एनर्जी कर्व से याद रहने वाली है. और सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए क्या होगा, तो ये सब क्रिटिकल था, ये क्रिटिकल था, तो ये क्या होगा बच्चों, ये जो क्रिटिकल से भी छोटी हाइट वाला ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, यानी कि क्या होगा, जब डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल फ्लो से भी कम होगा, क्रिटिकल फ्लो से भी कम होगा तब होगा सुपर क्रिटिकल फ्लो. तो आई होप आपको समझ में आया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो एंड इन टर्म्स ऑफ फ्राउड नंबर. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसके बाद जो हम हाइड्रोलिक जंप देखने वाले हैं उसमें पूरा यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है. तो क्या है बच्चों, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व वाली जो थियरी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एज वेल एज हाइड्रोलिक जंप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो प्लीज बच्चों मार्क हमने नहीं गंवाने, हम इंजीनियर है, प्लीज अच्छे से देखें, हो सके तो साथ में अपनी नोट्स भी बनाएं, अपना ध्यान रखें, सेफ रहे और प्लीज अच्छे से पढ़ाई करें. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें.